उस सरकारी बस में से अभी इधर निकला हूँ। वैसे आज रात मैं अपने दोस्त के घर पे रुकूंगा। ये तो गोवा है, पार्टी तो बनती है। वो स्नेक वाइप था, ग्रीन कलर का प्रॉपर, मतलब वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। आज का मेरा आशियाना है वो इस तरीके से है। चिकन बना रहे, चिकन बना रहे अपने लिए, बहुत बढ़िया। सम्मान का मोह ना अपमान का भाई। अच्छा, अपमान ट्रेन में घूम चुका हूँ भाई, टीटी मेरे सामने से गुजरा। वेलकम टू न्यू वीडियो अगेन। राइट नाउ आई एम इन गोवा और मेरे को गोवा में हो गए 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन बहुत होते हैं भाई। नहीं, 10 से 15 दिन नहीं, आज डेट है, वेट अ सेकेंड, आज डेट है 21 और मैं आया था 8th को, तो 10-12 दिन अप्रोक्स हो गए। और मतलब जब मैं गोवा में आया तो मेरे पास पैसे वैसे नहीं थे, मेरे पास कोई इनकम सोर्स नहीं था, मेरे पास कुछ अर्निंग का प्लेटफॉर्म नहीं था। तो मैंने कैसे भी करके बीचेस वगैरह पे, रेस्टोरेंट्स वगैरह में काम वगैरह करे एंड आई अर्न 15K विद इन 12 डेज। 600 रुपये पर डे बेसिस पे काम करने के लिए देते थे और रहना खाना सब उनकी तरफ से फ्री था। तो अभी मैं हूँ कोल्लम गोवा एंड देन आई हैव टू मूव मापसा। वाई? बिकॉज उधर मेरा फ्रेंड है, फिर थोड़ा स्पेंड करूँगा, देन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं गोवा की गवर्नमेंट की बस में पहली बार चढ़ा हूँ। इट्स सेम लाइक कि जब जॉन इब्राहिम को जेल लेके जाते हैं, वैसा ही था इस बस का एक्सपीरियंस मेरा। जेल लेके जा उस सरकारी बस में से अभी इधर निकला हूँ। गांव है गोवा क्या, अब अपने फ्रेंड के वहाँ पे जाऊँगा आज रात का, पता नहीं उसके साथ क्या इंतज़ाम है। वैसे इतने दिन मैं गोवा में रहा, मैंने ना कोई वीडियो बनाई ना कुछ, बस थोड़ा बहुत काम पे फोकस था ना, मतलब ट्रैवल करा लेकिन वीडियो के साथ नहीं करा ना वीडियो। तो अभी जो है गोवा में थोड़ा रेनी सीज़न है, तो इस टाइम पे मतलब थोड़ा सस्ता देखना मुनासिब नहीं है। वैसे आज रात मैं अपने दोस्त के घर पे रुकूंगा और पता नहीं कैसे सिस्टम है, रात को फिर से पार्टी होगी। मैं मतलब जहाँ पे भी जाता हूँ, जिस स्टेट में जाता हूँ अपने दोस्त के पास, वहाँ पे पार्टी होती है। और ये तो गोवा है, पार्टी तो बनती है। और मतलब यहाँ का वेदर थोड़ा रेनी होता है ना, तो मतलब थोड़ा झाड़ झूड़ में मत रहना। मेरा कहने का मतलब ये था कि यहाँ पे स्नेक वगैरह जो हैं वो एक्चुअल में इस टाइम पे बाहर निकलते हैं। तो मैंने अभी एक स्नेक भी देखा, मैंने इससे पहले भी एक स्नेक देखा था, वो स्नेक वाइप था, ग्रीन कलर का प्रॉपर, मतलब वो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था 20-25 फीट ऊपर। और भाई नीचे से बंदे ने देख लिया, देखो स्नेक वाइप है और पूरा ग्रीन कलर का। मेरे पास वो भी फ़ोटो पड़ी है, वो भी दिखाता हूँ। आज का मेरा आशियाना है वो इस तरीके से है, मतलब आज मेरे मतलब ये दोस्त मुझे बहुत टाइम पहले मिले थे मडगांव पे, तो उन्होंने था कभी आओ गोवा तो मिलना हमारे यहाँ स्टे करना। ये देखे थे, अब कपड़े पहन रहे, अब तो तेरे ऐप्स दिख गए भाई। इज़ फ्रॉम उत्तराखंड एंड इज़ फ्रॉम उड़ीसा। साहब अभी रेडी है, पता नहीं क्या बना रहे हैं। चिकन बना रहे, चिकन बना रहे अपने लिए, बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब, इन दोनों में जितनी बकचोदी होती है ना, माँ का सब, मैं सिर्फ साइड में टेलीविज़न ऐसे देख रहा हूँ। और लाइट जा चुकी है अंधेरे में इस कमरे में, और बकचोदी है इन दोनों के फुल खत्म नहीं हुआ। भाई मैं थोड़ा सा दूर हूँ, मेरे लिए मेरा ये पीनट मसाला विथ शेजवान केचप इज मच बेटर फॉर मी। मैं आया हूँ अभी बाहर थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। एक्चुअल में यहाँ पे भी लाइट गई थी वो, तो भाई जो मेरा फ्रेंड था वो इतना कॉन्फिडेंट था, कह रहा कि भाई 2 सेकंड में लाइट आ जाएगी। अच्छा 2 सेकंड में आ जाए तो भाई वो चैलेंजेबल है, क्योंकि एक्चुअली आई एम इन साउथ गोवा, बिल्कुल कॉर्नर में, और गांव वाला एरिया है पूरा का पूरा। तो मुझे लगा यार इतनी जल्दी तो लाइट क्या ही आएगी, क्योंकि दिल्ली में और बॉम्बे में, बेंगलोर में भी मैंने देखा थोड़ा बहुत टाइम लेता ही है, मतलब हद से हद कितना ही होगा। मतलब मैंने एक वीडियो शूट करा, जस्ट लाइट आई, दैट वाज गुड, इम्प्रेसिव। बंद तो करो भाई लॉक। ले लिया फोन, ले लिया उसने फोन, ले लिया लॉक।
देखने जा रहा है फोन चार्ज पे रखा नहीं रखा। नहीं नहीं भाई इस बार ले लेते हैं। अरे भाई बंद तो कर दे इसे। लाइट कौन बंद करेगा, पंखा कौन बंद करेगा? बहुत बढ़िया भाई, कितना इंटेलिजेंट आदमी है लिटरली भाई। अब लाइट कौन बंद करेगा, पंखा बंद किया? लाइट का पैसा देते हैं ना। बहुत बढ़िया भाई, सम्मान का मोह ना अपमान का भाई। अच्छा अपमान का भय नहीं है इनको, पता नहीं है जब गलती से वायरल वगैरह हो गई ना तो फिर इनको सम्मान और अपमान सब दिखेगा। भाई मेरे हाथ में पकड़ा दिया पानी की बॉटल और ये कटोरा भाई, रोड पे भीख मांगने के लिए तो नहीं दिया है ना। हाँ इसमें कुछ है खाने के लिए, मतलब नियर बाय में यहाँ पे कोई प्लेस है, पार्क है या क्या है, वहाँ पे लेके जा रहे हैं। मस्त बढ़िया, वहाँ पर अभी जाएंगे और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे। आधे से ज़्यादा टाइम स्पेंड हमने कमरे में कर लिया है भाई। आज रात का डिनर भाई, मतलब इसने बोला ये मास्टर शेफ है यार, एक्चुअल में ये मास्टर शेफ है यार। आई एम लिटरली इम्प्रेस विद दिस, दिस इज़ द प्लेस। और यहाँ पे बोट है और ये ऐसे करके रिवर जाता है, मतलब रात के टाइम पानी बढ़ जाता है और दिन के टाइम ज़्यादा हो जाता है। यहाँ पार्क है और यहाँ पे बैठेंगे। सो नाउ दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे लोग मुझे लेके आए हैं। यहाँ पे बोट है, यहाँ पे नदी बह रही है, इसीलिए लोकल्स के साथ फ्रेंडशिप करने में ज़्यादा बेनिफिट है। पूरा रात सिर्फ पार्टी करी है और दिन भर सोए हैं। अब शाम को मैं यहाँ से निकल रहा हूँ करमली के लिए, वहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के अब पुणे जाऊँगा या किधर जाऊँगा, आई डोंट नो। सो फाइनली आई एम हियर एट नियर माय रेलवे स्टेशन। अच्छी बस थी ये वाली और अच्छी रात भी थी उन लोगों के साथ, मतलब दे फोर्स मी कि आज रात को भी रुक जाओ, लेकिन आई हैव टू गो पुणे। और मतलब इसमें मैंने विंडो सीट कैप्चर किया था, कुछ फ़ोटोज़ मैंने क्लिक करी है, ऑसम फ़ोटोज़ आई है। यहाँ का वेदर अभी बहुत ज़्यादा प्यारा हो रखा है, थोड़ा रिमझिम सी बारिश और काले बादल तो नहीं है, लेकिन हाँ मज़ा पूरा आ रहा है। गोवा से जाने का मन नहीं कर रहा क्योंकि गोवा को मैंने एक्सप्लोर तो किया लेकिन लोगों तक शेयर नहीं किया। जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं मैं उन लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ मोस्टली। जब फ़ोन था शुरू में नया तो क्यूरियस था यार, वीडियोस वगैरह बनाओ। धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है लेकिन इसको मैं स्टॉप नहीं करूँगा भाई, बस लाइक और सब्सक्राइब और शेयर देते रहना। अभी तो करमली स्टेशन पे आया हूँ, अब आई डोंट नो वेयर आई वांट टू गो, मुझे खुद नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। अभी मेरा मूड चेंज होगा मैं पंजी के लिए चला जाऊँगा, अभी मेरा मूड चेंज होगा मैं भाई कहीं पे भी चला जाऊँगा। आई प्रेफर्ड कि लोनावला इज़ मच बेटर चॉइस फॉर मी, तो मैं सोच रहा हूँ पुणे चला जाऊँ। देखते हैं अब यहाँ से पनवेल और पनवेल से फिर मुझे चेंज करनी पड़ेगी। Right to first I want to go Panvel and then I have to go Pune, क्योंकि यहाँ से पुणे के लिए है एक ट्रेन बट वो वास्को से निकलती है और मड़गांव तक भाई उसमें खचाखच भीड़ हो जाती है, तो उससे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए ये कि मैं यहाँ से पनवेल जाऊँ एंड देन पनवेल से मैं ट्रेन चेंज करूँ, क्योंकि पनवेल और पुणे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ढाई तीन घंटे का रास्ता है, तो उतना जनरेशन में उतना जर्नी में थोड़ा खड़े होकर भी कर लूँगा, लेकिन ऐसा कुछ सीन है भाई जिस ट्रेन में मैं पूरा मतलब खाली है और दिस इज़ एक्चुअल जर्नल। आई हैव इंफॉर्मेशन अबाउट कोंकण लाइन विच इज़ फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा, क्योंकि जो ये कोंकण लाइन है ये सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन का मतलब समझते हो, उस साइड कोई पटरी नहीं है, मतलब सिंगल लाइन है। जब रेलवे स्टेशन आता है तभी मल्टीपल पटरियाँ आती है, दिस इज़ द फैक्ट। और जब रेनी सीज़न होता है तो गाड़ी में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से पटरी जो है वो दब जाती है, मड में ना दब जाती है, दिस इज़ द मेन फैक्ट। एंड द सेकंड वन कि अभी मेरी गाड़ी चालू हो गई है, तो ये सीन है कि मतलब जो बॉम्बे टू गोवा वाली है वो कोंकण लाइन में जब गाड़ी में ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जब गाड़ी में ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो भाई वो दब जाती है, तो
अप्रॉक्स 3 साल पहले ये वाला सीन हुआ था कि गोवा टू बॉम्बे वाली जो लाइन थी साउथ से जो कनेक्ट होती है, जो एक्चुअल में केरला को कनेक्ट करती है, जो मैंगलोर उड़पी वगैरह को जो कनेक्ट करती है, उसकी पटरी धस गई थी मिट्टी में। पटरी धस जाना जस्ट बिकॉज ऑफ रेन, क्योंकि बारिश का टाइम और रेनी सीजन बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हो रही थी। उसको ठीक करने के लिए 3 दिन लगे थे। एट द एंड हुआ क्या, कुछ नहीं, सबको फिर घूम के जाना पड़ा बैंगलोर हैदराबाद साइड से, फिर वो नागपुर वगैरह होते हुए बहुत ज़्यादा ऊपर से वो उन लोगों को टर्न लेना पड़ा था। तो 3 दिन तक इंडियन रेलवे का बहुत ज़्यादा गंदा नुकसान हुआ था। सो ये वो कोंकण लाइन है जहाँ पे आपकी चाहे राजधानी हो या कोई भी हो, आगे अगर कोई मतलब इशू है या कोई दूसरी गाड़ी आ रही है तो उसको भी रुकवा देता है। इसीलिए राजधानी ट्रेन के गोवा में ज़्यादातर स्टॉप्स हैं, जैसे थिवीम और मडगांव वगैरह, मतलब मेरे को जितना पता है 3 स्टेशन हैं। तो और जो राजधानी है वो ज़्यादा स्टेशन पर रुकती भी नहीं है। मेरे को मतलब पीछे से और कैंटीन तक जाने में मैं बीच में आया था, पूरी ट्रेन में घूम चुका हूँ भाई। टीटी मेरे सामने से गुजरा, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं लेने क्या गया था, ये मेरा फ्रेश फ्रूट और कोल्ड ड्रिंक मिल जाता है यार ट्रेन में। आई एम लिटरली इम्प्रेस विद दिस, बट वही 50 रुपये लिए जो कि सफिशेंट नहीं था। नहीं इट वॉज़ ओके, थोड़ी देर के लिए रुका लास्ट में। अभी मैंने स्टेशन का ही वेट करा था ताकि गाड़ी खुले और फिर मैं इस ट्रेन में स्टेशन के थ्रू फिर पीछे जा सकूँ, क्योंकि फिर बॉगी टू बॉगी इट्स टू हार्ड फॉर मी। और ये मेरी ट्रेन भाई जा रही है, मैं आगे जाके चढ़ जाऊँगा। इन जनरल क्या बोलूँ मैं इसे, आगे तो बोल नहीं सकता क्योंकि आगे एक और टीटी है। दिस वन इज सेकंड रेस, लेट्स सी। चुपचाप ना मैं बॉस लेवल पीछे से मार रहा हूँ पकड़ने के लिए भाई। मतलब मैं जनरल से और स्लीपर तक आया हूँ भाई, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू बाई अ कोल्ड ड्रिंक। दैट वॉज लिटरली गुड, आई हैव गर्ड्स मैन। यार वो गर्ड्स तभी शो होते हैं, आई हैव गर्ड्स मैन भाई, बिकॉज हमारी जेब में जब हो दमड़ी तो यू कैन ईजिली लपेट लो रबड़ी। ओके okay.